हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी, बम्पर वैकेंसी। राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली बहालियों का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति मिल गई है। ये सभी नियुक्ति नियमावलियाँ कार्मिक, उत्पाद एवं मध्य निषेध, पंचायती राज व अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली बहालियों से संबंधित हैं। कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। पूर्व में लागू नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि तृतीय श्रेणी के इन पदों पर नियुक्ति सामान्य श्रेणी के उन अभ्यर्थियों की ही होगी जिन्होंने झारखंड के स्कूल से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इधर कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों को मिलने वाली महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी करने पर भी सहमति बनी है। राज्यकर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता की दर 28% से बढ़ाकर 31% कर दी गई है। वही कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गोविंदपुर दुमका सड़क के लिए 31 करोड़ रुपये और झरिया बलियापुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज से करवट लेगा मौसम। अगले 3 दिनों तक राज्य में छाए रहेंगे बादल। आज 13 और कल 14 नवंबर को बारिश और वज्रपात के आसार। झारखंड में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिमी पहुँचता हुआ आंध्र प्रदेश के तट पर पहुँच गया है। इसका असर अगले 3 दिनों तक झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज शनिवार से राज्य के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा के में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इन जिलों में कहीं कहीं मेघा गर्जन की भी संभावना है। इसके साथ ही तेज हवा भी चल सकती है। अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 नवंबर को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में बारिश होगी। वही 14 नवंबर को राज्य के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश होने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। वही 17 नवंबर के बाद आसमान साफ होने के आसार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बेसूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का जल्द होगा गठन। सीएम हेमंत सोरेन को सौंपी गई फॉर्मूले की कॉपी। झारखंड में बेसूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति एवं अन्य समितियों के गठन को लेकर प्रोजेक्ट भवन में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फॉर्मूला की कॉपी सौंपी गई है। इस बैठक में सीएम सुरेश सोरेन के अलावा मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पांडे थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य में बेसूत्री समेत अन्य समितियों का जल्द गठन होगा। राज्य में स्वर्गीय विकास में इन समितियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करो तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार। 5 राज्यों की खोज रही थी पुलिस, पत्नी संग इलाज कराने पहुंचा अस्पताल, कारसामा पुलिस ने दबोचा। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सरायकेला खरसावां पुलिस ने शुक्रवार को 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किसंता उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को चांडिल से गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत बोस अपनी पत्नी के साथ इलाज कराने चांडिल के एक अस्पताल आया था। सूत्रों के मुताबिक चांडिल से इलाज कराकर वह एक स्कॉर्पियो पर सवार होकर पश्चिम बंगाल की ओर भाग रहा था। पुलिस को खुफिया सूत्रों से इसकी जानकारी मिली और उसे दबोच लिया गया है। फिलहाल पुलिस नक्सली दंपति से खुफिया जगह पर पूछताछ कर रही है। इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। प्रशांत बोस उर्फ किशन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में 100 से भी ज्यादा नक्सली वारदाताओं का मास्टरमाइंड माना जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय डाक में इन पदों पर निकली है बम्पर वैकेंसी। 10वीं और 12वीं पास करे अप्लाई। भारतीय डाक में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए भारतीय डाक ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के सर्किलों के लिए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड्स और मल्टी टास्किंग स्टाफ के मेधावी स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड सर्किल के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2021 है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो, लोहरदगा टोरी लाइन से रांची चौपन स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। लोहरदगा टोरी लाइन से रांची चौपन स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुक्रवार से चालू हुआ। रांची स्टेशन से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और रांची के विधायक सीपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी दी गई है कि रांची चौपन त्रिसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। रांची से यह ट्रेन सुबह 9:20 पर रवाना होगी, जो चौपन शाम 5:20 पर पहुंचेगी। वही चौपन से यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार, शनिवार और सोमवार को चलेगी। यह ट्रेन सुबह 9:00 चौपन स्टेशन से प्रस्थान करेगी और रांची शाम 4:00 पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो, 16 से आपका अधिकार देने आपके द्वार पहुंचेगी सरकार। रांची के 305 पंचायतों के 1311 गांव में 13 दिन में पहुंचेंगे अधिकारी। सरकार की 27 योजनाओं का देंगे लाभ। झारखंड सरकार अब लोगों के दरवाजे पर दस्तक देगी। बिरसा की जयंती व राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवम्बर से 28 नवम्बर तक रांची जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हर दिन कम से कम 7 से 8 पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। रांची में 305 पंचायत के अंतर्गत 1311 गांव हैं। डीसी छवि रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी तो दी जाएगी, साथ ही साथ योग्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं से अचानित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो, महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस का अभियान। प्रदेश अध्यक्ष बोले, छलावा साबित हुई मोदी सरकार के वादे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी और जनता से जुड़े सवालों पर 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान के दौरान हर पंचायत और हर बूथ पर पहुंचेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में इस अभियान को लेकर आयोजित बैठक के बाद मीडिया से कहा, हमारा उद्देश्य घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की विफलताओं की जानकारी देना और निरंतर बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के पीछे की परिस्थितियों से अवगत कराना है। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड को मिला पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। LCMCH में होगा 100 सीटों पर नामांकन। झारखंड के पलामू जिले के विश्रामपुर में स्थित लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल राज्य का पहला निजी मेडिकल कॉलेज बन गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ने 100 सीटों पर नामांकन के लिए लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी है। इस कॉलेज का निर्माण विश्रामपुर विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के द्वारा कराया गया है। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि उनका सपना था कि उनकी मां के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज हो। यह सपना आखिरकार पूरा हो गया है। इस मेडिकल कॉलेज में नामांकन नीट की परीक्षा के जरिए होगा। 100 सीटों पर नामांकन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो, तो चतरा में अंग्रेजी शराब की खेप बरामद, एक स्मगलर अरेस्ट, आने की तलाश जारी। चतरा पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। इलाके के SP राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित एक घर में छापेमारी करके 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। स्मगलर राजेश कुमार के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्रतापपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में इंस्पेक्टर रंजीत रोशन ने बताया है कि बरामद शराब को बिहार के पंचायत चुनाव में खपाने के उद्देश्य तस्कर ने अपने घर में छिपा रखा था। अगली बड़ी खबर की बात करो, राष्ट्रपति के सामने उठा झारखंड के TAC का मुद्दा। राज्यपाल ने कहा, TAC के गठन और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्ति खत्म कर दी गई है, विधिक राय ले रहे हैं। राज्यपाल रमेश बिश ने राष्ट्रपति के सामने झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग TAC के गठन और उसमें सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्ति खत्म करने का मामला उठाया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल की मुलाकात में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके साथ ही नगर निगम, नगर पालिका के मेयर व अध्यक्ष के अधिकारों को भी समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे विधिक राय ले रहे हैं। 4 जून 2021 को राज्य सरकार ने TAC की नई नियमावली बनाई है। इसमें TAC के गठन में राज्यपाल की भूमिका खत्म हो गई है। CM ही अब इसके सर्वे सर्वा हैं। सभी सदस्यों की नियुक्ति के अनुमोदन का अधिकार भी CM के पास ही आ गया है। उनकी स्वीकृति से ही TAC गठित हुआ है। पहले TAC के गठन का अधिकार राज्यपाल के पास था। अगली बड़ी खबर की बात करो, दक्षिण पूर्व जोनल
रेलवे के 6 संस्थानों में अप्रेंटिस के 1785 पदों पर भर्ती। दक्षिण पूर्व जोनल रेलवे के 6 संस्थानों में वर्ष 2021-22 के लिए अप्रेंटिस के 1785 युवाओं की बहाली होगी। गार्डन रिच से मैट्रिक और इंटर पास युवाओं के लिए अधिसूचना जारी हुई है। इसमें खड़गपुर में 972, चक्रधरपुर में 413, आद्रा में 213, रांची में 80 और सीनी में 107 युवाओं की अप्रेंटिस के विभिन्न ट्रेडों में चयन होगा। अप्रेंटिस में मैट्रिक और इंटर पास 15 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि अप्रेंटिस में चयन के लिए ओबीसी कैटेगरी में 3 वर्ष, एससी एसटी में 5 वर्ष और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrcscr.co.in पर जाकर पूरा भर्ती नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन युवाओं को तकनीकी कौशल विकास के तहत इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड का प्रशिक्षण देगा। इसके लिए 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 15 से 28 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड में ऑनलाइन तरीके से होगी बिजली चोरी पर नजर। केंद्र की मदद से लागू होगा प्रोजेक्ट। बिजली चोरी को रोकने के लिए अब झारखंड में ऑनलाइन पहरेदारी सिस्टम बनाया जा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद कंट्रोल रूम में बैठकर ही अब आसानी से पता लगा लिया जाएगा कि किस स्थान पर किस व्यक्ति द्वारा बिजली की चोरी की जा रही है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन निगरानी की इस परियोजना के लिए झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL को हरी झंडी दे दी है। JBVNL के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने की इस महत्वपूर्ण परियोजना को जमीन पर उतारने पर होने वाले खर्च का आकलन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो पलामू टाइगर रिजर्व में दिखा नर बाघ, मौजूदगी के सभी प्रमाण बरामद, संख्या बढ़ने की है उम्मीद। पलामू टाइगर रिजर्व के बारेसाड़ स्थित जंगल में बीते दिनों रेंजर तरुण कुमार सिंह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखे गए बाघ की मौजूदगी के सभी प्रमाण मिल चुके हैं। देखा गया बाघ नर है और वर्तमान समय में प्रत्यक्ष रूप से देखे गए स्थान के परिधि में भटक रहा है। PTR के फील्ड डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने बताया कि बाघ देखे जाने के तुरंत बाद क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया। सभी कर्मियों को बाघ की मौजूदगी के प्रमाण जो है खोज में लगाया गया। सर्च अभियान के दौरान बाघ के अस्केट मल और उसके जो है पंजों के निशान मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा कर्मियों ने दिया धरना। पलामू जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में शुक्रवार को धरना दिया। इनकी मांग है कि सेवा शर्त नियमावली 2007 में संशोधन की जाए। मनरेगा कर्मचारी महासभा कर्मियों की उपस्थिति में इसका संशोधन हो। झारखंड के सभी मनरेगा कर्मियों की सेवा अस्थायी की जाए। सभी प्रकार भत्ता दे हो। हर वर्ष वेतन में 10% की वृद्धि की जाए। वेतन का भुगतान प्रशासनिक मद के बजाय राज्य सरकार के वेतन शीर्ष का गठन कर किया जाए। वही मांग पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। अगली बड़ी खबर की बात हो तो कंगना माफी मांगे, नहीं तो झारखंड हाई कोर्ट में करेंगे शिकायतवाद गंभीर। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्यक्ष के माध्यम से फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत को लीगल नोटिस भेजा है। उसे अपने उस बयान को वापस लेकर पूरे देशवासियों से माफी मांगने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में देश को आज़ादी भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। सतनाम सिंह गंभीर ने कहा है कि कंगना रानौत का बयान देश को आज़ाद करवाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित हजारों शहीदों का अपमान है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो नक्सलियों के गढ़ गुमला के राजा डेरा में काटे गए 100 से अधिक सखुआ के पेड़, सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंची बात। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड स्थित राजा डेरा गाँव घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इसी जो है राजा डेरा जंगल में 100 से अधिक सखुआ का पेड़ काट दिया गया है। अभी भी पेड़ का बूटा गांव में पड़ा हुआ है। यहां सभी पेड़ जंगल से काटा गया है। जंगल में पेड़ काटे जाने की मशीन है। जंगल में पेड़ काटे जाने के बाद ठुंठा को देखा जा सकता है। जंगल से पेड़ काटे जाने का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो जमशेदपुर में नहीं रुक रहा है ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का धंधा। साक्षी में नशे की 78 पुड़िया के साथ 2 गिरफ्तार। पूर्व सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में पुलिस की कार्रवाई के बावजूद ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का धंधा नहीं रुक रहा है। ब्राउन शुगर की पुड़िया की
खरीद बिक्री करने वाले पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके मुख्य आपूर्तिकर्ता तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। कहां से माल आ रहा है और कौन सप्लायर है इसका पता पुलिस नहीं लगा पा रही है, जिस कारण जो नशे का धंधा जारी है। साक्षी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर गुरुवार की रात साक्षी रामलीला मैदान के पास छापेमारी कर दो युवकों को ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते गिरफ्तार किया है। इनके पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर, 4,260 रुपये नगद, दो मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, बोकारो में सहारा इंडिया के जोनल ऑफिस में जमकर हंगामा। पैसे नहीं मिलने पर महिला ग्राहक ने आत्महत्या करने की दी धमकी। झारखंड के बोकारो में सहारा इंडिया के सेक्टर 4 स्थित जोनल ऑफिस में एजेंट और ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यालय के एक अधिकारी के साथ धक्का मुक्की भी की गई। एजेंट और ग्राहकों का कहना है कि कार्यालय में बैठे अधिकारी और सीनियर एडवाइजर मिलकर जो मोटी रकम की निकासी तो कर रहे हैं, जबकि ग्राहक और छोटे एजेंटों को की स्थिति में ही छोड़ दिया जा रहा है। राशि निकासी में भी परेशानी हो रही है। बताया गया कि एजेंट और ग्राहक पैसा नहीं मिलने से काफी तकलीफ में है। अगली बड़ी खबर की बात करो, यहां छठी से बारहवीं तक की पढ़ाई एकमात्र शिक्षक के भरोसे। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों के 47 में से 19 पद रिक्त हैं। एक और शिक्षक 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विद्यालय में 3 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक में 500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। 500 विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए आधा दर्जन विषयों में मात्र एक शिक्षक हैं। शिक्षकों की कमी होने के साथ साथ नेत्रहाट विद्यालय कार्यकारिणी समिति व समन्वय निकाय के सदस्यों का मनोनयन भी नहीं किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।